हिना साहब किसी के मोहताज नहीं है, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लालू जी कभी नहीं शहाबुद्दीन साहब के परिवार को निकालेंगे। ने शहाबुद्दीन साहब पर जितने ऑकरेंस हुआ आरजेडी के रीजन में हुआ है। हम लोग कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, हमारी रिक्वेस्ट होगी, हमारी प्रार्थना होगी, हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि वो इंडिपेंडेंट लड़े और लड़ के दिखाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हिना साहब को कार्यकारिणी सदस्य से निकाले जाने के बाद लगातार हम लोग कई लोगों से बात कर रहे हैं और आपको बता दें खास करके जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं वो खासे नाराज हैं। आप बता दें कि राजद के कार्यकारिणी सदस्य ही नहीं, इसके पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी सदस्य रही हिना साहब, लेकिन आज अचानक से उनको बाहर कर दिया गया। इसी मामले पर शहाबुद्दीन समर्थक हमारे साथ एक फिरोज खान जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिरोज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी स्वागत हो सरफराज जी, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत कीमती समय निकाल के आप हमसे कुछ मामला है जिस पर आपने फोन किए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा फिरोज जी क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला सवाल तो हमारा ये होगा कि हिना साहब को कार्यकारिणी सदस्य से बाहर कर दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए कहने का मेरा मतलब है हिना साहब किसी के मोहताज नहीं है, किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। वजह ये है कि हमारे साहब ने इतना काम किए हैं, इतना मतलब लोगों के लिए इतना करके गए हैं कि वो किसी पार्टी के कार्यकारी सदस्य के लिए मोहताज नहीं है, पहली बात। लेकिन फिरोज जी फिर भी एक लंबा समय शहाबुद्दीन को संस्थापक सदस्य कहा जाता है राजद का, और उनकी पत्नी के साथ इस तरह के सदस्य भी नहीं रखा जाए उनको। देखिए लालू जी को तो हम दोष नहीं देंगे, मैं ज्यादा दोष तेजस्वी यादव को दूंगा, क्योंकि ये लोग घमंड में हैं। ये लोग सोचते हैं ना कि शहाबुद्दीन साहब के पास, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, तो ये भरम में है। मैं बता दूं आपको कि शहाबुद्दीन साहब के पास हर जाति का वोट है। शहाबुद्दीन साहब ने कभी एक जाति का राजनीति नहीं की है। शहाबुद्दीन साहब ऐसे आदमी, लालू यादव को दोषी क्यों नहीं मानते, सिर्फ तेजस्वी को ही दोषी क्यों मानते हैं? लालू यादव को मैं इसलिए दोषी नहीं मानता हूँ, कि लालू यादव को भी तो नहीं चलता है यार राजद में तेजस्वी यादव के आगे। लालू यादव को आपको आपको लगता है कि लालू जी के होते हुए तेजस्वी यादव फैसला लेते होंगे, लालू जी की नहीं चलती होगी, ये बात मानना सही है? देखिए आप मीडिया बंधु है, आपको मैं बता दूं कि इंटरनल बात की घर में जब बाप बेटे के में लड़ाई होती है ना तो बेटे की ही जीत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लालू जी कभी नहीं शहाबुद्दीन साहब के परिवार को निकालेंगे, ठीक है? ये बात मेरा आप ध्यान में रख लीजिए। लेकिन आज हिना साहब को तो निकाल दिया गया ना? लालू यादव ने नहीं निकाला है। लालू यादव को आप डायरेक्ट आप लालू यादव को नहीं कह सकते हैं। देखिए लालू जी लंबा समय जेल में रहे, ठीक है, लालू जी को तबीयत खराब है, लालू जी को मैं इसमें कहीं से भी दोषी नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ दोषी मानता हूँ तो भोला यादव को मानता हूँ और तेजस्वी यादव को मानता हूँ। तेजस्वी यादव अपने को एंग्री यंग मैन समझते हैं कि मैं सब कुछ देख लूंगा, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ ये तेजस्वी यादव को भूल है। तेजस्वी यादव बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिरोज जी ऐसा कैसे हुआ होगा कि शहाबुद्दीन जब जेल से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमारे नेता लालू यादव हैं, लालू यादव हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा उनको उन्होंने अपना भाई माना, और आज शहाबुद्दीन दुनिया में नहीं तो उनकी पत्नी के साथ इस तरह से, आप कैसे मान सकते हैं कि लालू की भूमिका नहीं रही होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपका बात नहीं मानूंगा ना। आप देखिए आप पत्रकार बंधु हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं लालू जी को दोषी कभी नहीं मानूंगा। मैं दोषी सारा सर अगर इस पार्लियामेंट में और जितने भी अगर हिना साहब को निकाला है तो इसमें ड्यू टू तेजस्वी यादव का हाथ है और किसी के हाथ नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ तेजस्वी यादव को घमंड हो गया है, बहुत ज्यादा घमंड हो गया है कि मैं देखूंगा। और वो दूसरी अच्छा बात है फिरोज जी इस गलती को भविष्य में राजद सुधार भी सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर हिना साहब को हम पूछ रहे हैं, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए दीजिए, अगर हिना साहब को राजद टिकट देती है खुद से
तो क्या लग रहा है हिना साहब को चुनाव लड़ना चाहिए राजद से? देखिए सुनिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि सरफराज जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दे रहा हूँ ना, ताकि अगर हिना साहब को राजद ऑफर कर रहा है जी, तो हिना साहब को राजद के टिकट से, मेरी अपनी सोच है, पर्सनल सोच है, समर्थक है हम, क्योंकि हमने लंबा समय शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा है, ठीक है, और मेरी पर्सनल सोच है कि नहीं, इसके बाद तो मुड़ के नहीं देखना चाहिए उस पार्टी की तरफ, ठीक है, और 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और 2024 में ऐसा क्या बात है, देखिए ना आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब तीन बार मैडम हारी ना चुनाव, तो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव लड़ा जाता है और वोट अपना देखा जाता है, लोग मेरे साथ कितने हैं आज तक बताइए ना, अमर यादव लोकसभा चुनाव लड़े हैं, कितना लोकसभा चुनाव लड़े हैं, कभी जीते हैं बताइए, कभी जीते हैं? नहीं जीते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, चुनाव हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह समर्थकों के राय से, सारे समर्थकों के राय से, तेजस्वी यादव का घमंड है कि सिर्फ मुस्लिम के नेता हिना साहब है, तो ये उनका भरम है, और ये 2024 में भरम टूट जाएगा। और मैं जितनी बातें सोशल मीडिया पे समर्थक करते हैं जी, शहाबुद्दीन समर्थक जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बातें करते हैं, ये बातें खुद शहाबुद्दीन परिवार की तरफ कोई क्यों नहीं बोलता, हिना साहब आगे क्यों नहीं बोलते, ओसामा साहब क्यों नहीं बोलते, इस तरह की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे क्यों होती है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिना साहब भी मीडिया ट्राई करेंगी, थोड़ा सा बिजी है, जनता के साथ जुड़ रही है, जनता से बात, मीडिया ट्रायल होगा, ऐसा बात नहीं है, जिस दिन मीडिया ट्रायल होगा उस दिन आपको पता चलेगा। हाँ, ये लालू यादव की परिवार अगर जो सोच रहा है ना, ताकि हिना साहब सिर्फ मुस्लिम की नेता है, तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। आपने SDPO सुधीर कुमार का नाम सुना था जी? सुने थे ना, सिवान में SDPO सुधीर कुमार के पास एक आदमी गया, जाति से भूमिहार था, और बोला कि सर इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये लोग हम लोग के भगवान है। तो शहाबुद्दीन साहब सेकुलर थे, जान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, हर जाति के लोग, अगर 90 का दौर जो लोग जानते हैं, अभी तो बच्चे, यूथ बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, 90 का दौर जो देखे हैं वो जानते हैं शहाबुद्दीन साहब क्या चीज थे, और जितने शहाबुद्दीन साहब पर जितने ऑकरेंस हुआ RJD के रीजन में हुआ है, और आज तक उन्होंने एक ही शब्द कहा था 2001 में, आपको मैं बता दे रहा हूँ, प्रसाद के लिए मंदिर में नहीं तोड़ूंगा, मतलब समझ रहे हैं आप जी, मतलब समझे, लालू यादव से कभी कभी अनबन हो जाती थी साहब की मेरी, ठीक है, तो राबड़ी देवी एज ए भौजाई, साहब उनको भाभी कहते थे, तो एज ए भौजाई समझ के, भाभी समझ के वो उनको समझाती थी, तो हमारे MP साहब मान जाते थे उनका बात, और वही बात उन्हीं का कहा था कि वो 13 अगस्त 2003 को सरेंडर किए, 13 अगस्त 2003 को उन्होंने हाजिर हुआ झूठ राबड़ी देवी के कहने से। अच्छा। नहीं तो लालू यादव से तो कभी कभी बड़ा भाई छोटा भाई में अनबन हो जाती थी, फिर लालू यादव मना लेते थे, राबड़ी देवी फिर कंप्रोमाइज करा देती थी दोनों आदमी में, ये हकीकत है। तो ये तेजस्वी यादव को, सुरोज जी क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा जी जी, बोला जाए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हिना साहब के राजद में नहीं रहने से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ सिवान के सीटों पर असर पड़ सकता है, बिहार में इसका कोई असर नहीं है? नहीं तो ये देखिए, ये तेजस्वी कुछ लोग के नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ सिवान तक सीमित हो जाएंगे, तो हम लोग तो हर जगह ही करेंगे, सिवान में, ये इनका भरम है कि सिर्फ सिवान में ही। आप लोग तेजस्वी यादव का विरोध करेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, हम विरोध क्या कर लेंगे सूरज, ये बताइए ना, वो तो कहते हैं A to Z की पार्टी है, A to Z की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, तो फिर आपके विरोध करने से कितना असर पड़ेगा उनके ऊपर? नहीं, हमारे देखिए, हमारे विरोध का मतलब हुआ कि अगर हम लोग पब्लिक, हम लोग सपोर्टर है साहब के, ठीक है, हम लोग लोगों से जाके अपनी बात रखेंगे। आपको याद है जब आप पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी तो अलका यामा जैसे लीडर हार गई, क्यों? हम लोग वहाँ के लोग चाहते थे कि अलका लामा को वोट दें, लेकिन अलका लामा को बढ़िया लीडर है, बढ़िया नेता है वो, ठीक है, लेकिन उसको वोट देने से BJP जीत जाती, इसलिए वहाँ के लोग
अलका लामा को रिजेक्ट करके आपको, तो कभी कभी जहर ऐसा पिया जाता है ना, ऐसा जहर पिया जाता है कि डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर ठीक कर दें। तो इस हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि MIM ने साफदीन समर्थकों में सेंधमारी कर दी है। सरफराज जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि AIM जस्ट BJP के सेकंड पार्टी है। आप एक बात बताइए, अवैधुन वैशी MI के अध्यक्ष जो हैं, खुलेआम भारत के राष्ट्र, भारत के प्रधानमंत्री को खुलेआम उल्टा सीधा बोलते हैं। उनका उनका भाई डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम 125 बातें हो गई, फिरोज उस पर बात कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, पुरानी बातें हो गई। गोपालगंज चुनाव में MIM का उम्मीदवार उतरता है और अचानक वो पार्टी अनाउंस करती है और वहाँ के जो उम्मीदवार उनको 12,000 ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को आप मानेंगे कि जो शहाबुद्दीन समर्थक है वो MIM की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं नहीं, देखिए देखिए, शहाबुद्दीन साहब का समर्थक अगर AIM को वोट देता ना, AIM को वोट देता, AIM को कम से कम 40,000 वोट मिलता। शहाबुद्दीन समर्थक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने BJP को वोट कर दिया। अगर AIM को वोट मिलता तो 40,000-35,000 वोट मिलता, AIM को 12,000 नहीं मिलता। आपको मैं बता, इंटरनल बात बता रहा हूँ। तो इतने समर्थक इतने गुस्से में है कि उन्होंने BJP को पसंद कर लिया। क्या कहना चाह रहे हैं कि शहाबुद्दीन समर्थकों का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किसके साथ रहना है, BJP के साथ रहना है, MIM के साथ जाना है, JDU के साथ जाना है, किसके साथ, कुछ क्लियर नहीं है। नहीं देखिए, हमारी मैडम जिस अभी हमारी मैडम 2024 की तैयारी कर रही है, हेना साहब, और मैडम हेना साहब 2024 की तैयारी कर रही है, और 24 में हम लोग कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, हमारी रिक्वेस्ट होगी, हमारी प्रार्थना होगी, हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि वो इंडिपेंडेंट लड़े और लड़ के दिखाएं। आगे देखिए कि सिवान की जनता मुझे कितना प्यार करती है। अगर वो 2024 में जीत गई, जान लीजिए, तो मैं आपको वादा करता हूँ पूरे बिहार में अगर 40 सीट RJD ला देगी तो जो कहिएगा वो। 40 सीट की बात कर रहे हैं कि 40 में एक सीट की बात कर रहे हैं? नहीं, अगर RJD पूरे बिहार में 40 सीट ला, अरे 80 है ना भाई, 80 से एबव है ना अभी सीट। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा। मैं दो, अगर मेरी मैडम, मैं हिना मैडम अगर जीतती है 2024 लोकसभा चुनाव, जनता अगर उनको जीता के पार्लियामेंट भेजता है, तो 2025 में मेरा वादा है आपसे आके RJD फिनिश हो जाएगी, तीसरी पार्टी बन जाएगी RJD बिहार में, जान लीजिए RJD बिहार में। और हम एक चीज आपको, अभी तक मैडम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, हिना साहब का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुमको क्या करना है आगे, और तो टाइम तो है नहीं। सरफराज जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैं एक चीज मार्केबल बात बता रहा हूं, अगर हम लोग चाह दे ना, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक चाह दे तो कुडरी विधानसभा भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे हम लोग डिस्टर्ब इसलिए करना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे JDU लड़ रहा है, तो हम लोग JDU को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। फिरोज जी, कि JDU राजद के साथ गठबंधन में रहता है और आप कह रहे हैं कि हम JDU को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखिए देखिए सुनिए, अगर JDU को सूट निकालता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, तेजस्वी यादव मजबूत होंगे उससे। नहीं नहीं, तेजस्वी यादव कैसे मजबूत होंगे? आप देखिए, तेजस्वी यादव तो भाजपा से है, अलायंस है उनका, आपको लग रहा है, देखिए महागठबंधन से अलायंस है। तेजस्वी यादव ऐसे आदमी है कि कब BJP को समर्थन करके अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सिवान के मुस्लिम नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार अच्छे लीडरों में से हैं, नीतीश कुमार अच्छे लीडरों में से हैं, वो अंदरूनी बात जानते हैं। आपके नेता ने तो उनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था, आप कह रहे हैं देखिए परिस्थितियों का मुख्यमंत्री, कहने का मतलब है कि जिसके पास हमने जुबान दे दिया था, हमारे साहब ने कहा था कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री, मतलब मैंने मेरा कमिटमेंट था कि मुख्यमंत्री किसका भी पार्टी कितना भी सीट क्यों ना हो, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार थे, जाहिर सी बात है जो अच्छे आदमी होते हैं ना, अच्छे आदमी साहब ने ये भी कहे थे, आपको याद नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, माफी चाहूंगा, शायद ये भी बोले थे कि जिस आदमी के साथ मैं 25 साल रहा हूँ उस आदमी का विरोध दूसरे पार्टी में जाके कैसे करूंगा, मेरा वो रूल नहीं। अगर हिना साहब चाह देती तो आप ही बताइए, सिवान में जो 6 सीट जीता है RJD जीता, अरे वो लोकसभा में अपना अपना मेहनत उतना अगर कर देना तो वो अपना चुनाव निकाल लेंगी,
लेकिन विधानसभा के लिए इतना मेहनत करना दूसरों के लिए मामूली बात है। अच्छा एक बात, मैं मुस्लिम का नेता रहती हूँ है ना साहब, मुस्लिम ये तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि मुस्लिम के नेता है तो विनोद जायसवाल को क्यों सपोर्ट करती, आप बताइए। यहाँ पे तो रईस खान लड़ रहा था ना, रईस खान लड़ रहा था, वो तो एक मुस्लिम था ना, तो रईस खान का ना सपोर्ट हो जाता, ठीक है, चूंकि मुस्लिम। तो यही तो है, यही तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो सिर्फ मुस्लिम का, वो परिवार ही मुस्लिम का नेता नहीं है, लोग को भरम है, भरम दूर हो जाएगा तेजस्वी यादव को। अरे एक आखिरी सवाल फिरोज, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि मैडम 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, अगर ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाए वो पार्टी से खुद को अलग कर ली है, ऐसी परिस्थिति में 2025 चुनाव जब विधानसभा होंगे तो सीवान के 8 सीटों का नतीजा क्या होना चाहिए? देखिए देखिए देखिए, वो पार्टी से, देखिए आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा सरफराज जी, वो पार्टी से अलग नहीं हुई है। देखिए जिसका सर का ताज चला जाता है ना वो डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी ने तो अलग कर दिया, नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिना मैडम गोपालगंज में नहीं गई प्रचार करने, ठीक है, कहते हैं कि नहीं गई, लेकिन उनका एक कहीं फोटो गोपालगंज में नहीं लगा था, वो आदमी क्यों जाएगा प्रचार करने? आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब तेजस्वी यादव सिवान में आते हैं भाषण देने तो कहते हैं मेरे बाप को फालतू में फंसा दिया गया है, झूठा केस में फंसा दिया गया है। क्या वो उस चुनाव में कभी एक बार भी हमारे साहब का नाम लिए? नहीं लिए। देखिए इन लोग का मानसा पहले से, देख तेजस्वी यादव का मानसा पहले से नियत खराब है, इसलिए खराब है क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि मुस्लिम कोई लीडर आए, और ये लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार में दोनों बेटा जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार में, चूंकि हमारे ओसामा साहब ब्रिलियंट हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, और हालत खराब हो जाएगा, दोनों भाई बैठ के उनसे 5 मिनट टॉक नहीं कर सकते हैं। हाँ शहाबुद्दीन साहब के लड़के से, ओसामा साहब से, और वो जानते हैं भविष्य का नेता है ओसामा साहब, एक बात जान लीजिए, इसीलिए वो लोग डरते हैं जान लीजिए। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए फिरोजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राय रखने के लिए। जी धन्यवाद, उस तरह की लगातार खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ।